तो भाई अभी मैं हूँ बजाज के शोरूम पे और यहाँ पे मैं सर्विस के लिए छोड़ने आया हूँ गाड़ी को। तो भाई वही यहाँ पे भाई उन्होंने सब चीज़ देखा गाड़ी में, इंडिकेटर वगैरह जल रहा है नहीं जल रहा, और हेडलाइट वगैरह देखा, हॉर्न ऑन चेक किया। उसके बाद भाई जो भी इसका प्रोसीजर रहता है, मतलब क्या क्या चीज़ होगा, उन्होंने एस्टिमेट बताया मेरे को। और ये मेरा पेड सर्विस था भाई, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो इसका मेरा खर्चा वही 1300 का एस्टिमेट बताया है, और आगे देखते हैं कितना का बनता है। तो भाई मैं आया था खंडीवाल बजाज पे, यहाँ पे देख सकते हो, और मेरा सर्विसिंग के लिए गाड़ी दे चुका हूँ, और जो भी सर्विस कॉस्ट है वो भाई 1300 रुपये का आया है, जिसमें क्या क्या चेंजेस है मैं आपको भाई बाद में बताऊँगा। सर्विस के बाद गाड़ी 6 बजे तक मिलेगा बोल रहे हैं, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 52 हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। यार नहीं पता इतना लेट क्यों, लेकिन फिर भी देखते हैं, जल्दी हो जाएगा तो बताएँगे वो लोग। तो चलते हैं भाई। तो भाई आ गए हैं बजाज के शोरूम, क्योंकि कॉल आ गया था, और जो भी डिटेल होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो खंडीवाल बजाज, और अभी 4:30 हो रहे हैं शाम के, अब गाड़ी लेते हैं भाई, फिर बताऊँगा आपको क्या कुछ चीज़ है, ठीक है। तो भाई आज मेरे बाइक का मतलब 56 सर्विस कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये पेड सर्विस था इसका, तो भाई इसका पूरा टोटल कॉस्ट बताऊंगा। और भाई एक बड़ा सा स्कैम किया है भाई इन्होंने, यार फिर लोग बताना ये स्कैम था या क्या था भाई। देखो मुझे तो भाई बहुत गुस्सा आया लोगों के ऊपर, और भाई मैं क्या बताऊँ। तो भाई उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले तो भाई सर्विस की बात करूँ तो सर्विस अच्छा किया है इन्होंने, ठीक है। अभी तक मतलब अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जो प्रॉब्लम मैंने बताया था, जैसे इंजन लाइट आ रहा था वो चला गया, ठीक है। और वॉशिंग वगैरह अच्छे से किया इन्होंने, पॉलिश वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई उसके साथ साथ ये जो ये रहता है पैर वाला, ये भी नया लगवाया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा भाई चेन टाइट करवाया है, जो नॉर्मल सर्विस में होता है नॉर्मल वही करवाया है भाई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया, ठीक है। उसका बिल मैं आपको दिखा दूँ एक बार, 1250 ऑलरेडी, ठीक है। 1250 रुपये का इसका बिल आया है। इसमें चेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑयल चेंज हुआ है, गास्केट, तेल, एयर फिल्टर, ठीक है। ये जो राइडर, ये जो असेंबली वाले बोल रहा हूँ, ये जो ग्रिप है, ठीक है, वही है। यहाँ पे पिन कॉटेड कुछ है, पेड सर्विस लेबर चार्ज वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। लेबर चार्ज बोलोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 387 रुपीज़ का इन्होंने लेबर चार्ज लिया था, ठीक है। और सब कुछ मिला के देखो 862, ठीक है। ऑयल आपका 522 रुपीज़ का लगा है, ठीक है। और कोई गास्केट है भाई यहाँ पे जो देख सकते हो, ये 2.47 रुपीज़ कुछ होगा यार। एयर फिल्टर मेरे को पड़ा भाई 125 रुपये, और यहाँ पे स्टेप असेंबली जो इसका था 209 रुपये पड़ा। टोटल मतलब जो सामान लगा गाड़ी में सर्विस में, ठीक है, 862 का, और लेबर चार्ज पड़ा 837 का। तो भाई टोटल कॉस्ट पड़े यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, 1250 रुपये का, ठीक है, सब कुछ GST वेस्टी मिला के। और सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ मेरे साथ यार, ऐसा कस्टमर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजाज ये है वो है, ठीक है, बजाज को नहीं बोल रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर में जो सर्विस सेंटर है, ठीक है, उसको बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना क्या मतलब लफड़ा किया है इन्होंने, यहाँ पर देखना आप, ये देखो कितना ओडोमीटर में है, 18683, ठीक है ना। किलोमीटर कितना है भाई देख सकते हो, किलोमीटर रीडिंग 20500, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मेरा ये देख लो ना, CG13AL8007, तुम मत बोलना दूसरे का दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है ना, मेरे ही गाड़ी का है। तो भाई ये स्कैम उन्होंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज, ठीक है, 30 तारीख है आज का डेट, मैं एक बार इसमें डेट भी दिखा दूँ आपको, ठीक है ना। इनवॉइस डेट यहाँ पे देख सकते हो 30/12, ठीक है, इनवॉइस डेट यहाँ पे देख सकते हो 30/12 है। तो भाई अब मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, मैं 29 तारीख मतलब कल शोरूम गया था 12 बजे आसपास, ठीक है। वहाँ पे मेरे को क्या था भाई, बैटरी में इशू था, गाड़ी चालू नहीं हो रहा था। मैं सब कुछ बैटरी वैटरी चेंज कराऊंगा बोल के गया था, और सर्विसिंग कराऊंगा, ठीक है। तो गया मैं, बैटरी दिखाया, उन्होंने चेकअप किया बैटरी वैटरी का, वहीं बाहर में ही ना, मतलब अंदर सर्विस सेंटर के नहीं ले गया था, जहाँ पे आपका रिसेप्शन रहता है वहीं ने उसने चेक किया, बैटरी ख़राब है बोला ऐसा वैसा। तो भाई मैं सर्विस कराऊँगा बोला, तो उन्होंने बोला क्या कि गाड़ी कल मिलेगी, मतलब 30 तारीख आज। तो मैं बोला भाई नहीं कराता हूँ, फिर वहाँ से मैं चल दिया, ठीक है। फिर आज मैं सुबह गया ना, तो वहाँ पर क्या हुआ यार, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि सर आपका 20500 यहाँ रीडिंग दिखा रहा है अग्रवाल ऑटो से, 29/12/2022, मतलब 29 तारीख जो कल मैंने गया था, ठीक है, आज उन्होंने बोला। तो भाई अग्रवाल ऑटो जहाँ से मैं नॉर्मल गाड़ी लिया था और वहाँ सर्विसिंग करवाता हूँ, लेकिन मैंने भाई अग्रवाल ऑटो को विजिट ही नहीं किया है 29 तारीख को, बल्कि मैंने ये जो बिलासपुर है भाई आपका खंडीवाल बजाज में मैंने गया था, यहाँ बिलासपुर में है, ठीक है, 29 तारीख को। और उन्होंने भाई नहीं पता क्या किया, ठीक है, क्योंकि मैंने अग्रवाल ऑटो से विज़िट किया नहीं 29 तारीख को, ठीक है। ऐसी तो मतलब वो लोग लिख नहीं देंगे यार 20500 किलोमीटर, ठीक है, उन्होंने ही लिखा होगा कि क्या होगा भाई, मेरी तो गलती नहीं है भाई, मैं तो कस्टमर हूँ, मैं थोड़ी लिख के दूंगा वहाँ पे। भाई मैं बोला भी यार कि कैमरा देख लो आप,
हाँ कि मैं 12 बजे आसपास तो आया था आपके यहाँ, तो वो मैं नहीं जानते, आप अगलवार ऑटो से बात करिए। तो भाई देखो सर्विस उन्होंने ठीक किया यार। मीनवाइल भाई ये देखो फिर से भाई इसलिए वार्निंग लाइट आ रहा है भाई, मैं इसके लिए अलग से बोला तो उन्हें कि भाई ठीक कर दो, कहाँ से आ रहा है लेकिन नहीं। लेकिन वो जो 20,000 वाला नाटक कर रहे ना भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और भाई वो लोग बोल भी रहे थे कि आपका अग्रवाल ऑटो से 29 तारीख को कुछ गाड़ी का सेंसर पार्ट चेंज हुआ है। तो भाई मैंने उन्हें कहा यार कि बिल दिखा दीजिए, मैं कहाँ पेमेंट तो किया हूँगा, मतलब बिल तो बना ही होगा ना जो पार्ट चेंज करवाया हूँ। तो बोल रहे हैं कि उसका बिल नहीं है हमारे पास, हम लोग नहीं दे सकते, ऐसे ऐसे आप अग्रवाल ऑटो से बात करिए। अब भाई अग्रवाल ऑटो से मैं बात थोड़ी करूँगा भाई, अलग ही है यार। तो भाई यहाँ मैं बजाज वालों को मेंशन कर रहा हूँ यार, ठीक है ना, नीचे देखे या नहीं देखे भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखेंगे तो भाई देखो यार मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई देखो गलती वो लोग छुपा रहे हैं इतना मेरे को पता है, तो भाई 20,000 एंट्री वो लोगों ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया है, गलती मेरी है नहीं, मैं तो ऐसा कस्टमर बोल रहा हूँ। तो भाई यही था वीडियो में, अगर वीडियो आपको भाई पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।